नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों ये जो वीडियो है इसमें मैं आपके लिए बताऊंगा कि भारत में कितने हाई कोर्ट हैं और उनके हाई कोर्ट के बारे में जो भी प्रश्न आपके दिमाग में होगा इस वीडियो को देखने के बाद में मैं गारंटी दे सकता हूँ आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपके लिए कुछ बातें जो बताने जा रहा हूँ उनको मोटा मोटे तौर पर आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सा जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है, उसकी स्थापना कब हुई, उसका अधिकार क्षेत्र क्या है और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि भारत में हाई कोर्ट हैं कितने। तो दोस्तों भारत में जो है अभी 25 हाई कोर्ट हैं और 25 हाई कोर्ट है भारत में। तो 25वां हाई कोर्ट जो है वो आंध्र प्रदेश का बना है 1 जनवरी 2019 के लिए। इसकी स्थापना हुई थी और ये अमरावती में बना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले है दोस्तों चेन्नई उच्च न्यायालय। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये जो वीडियो होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगी। तो इस वीडियो के लिए वो स्टूडेंट्स जो हिंदी जानते हैं और कुछ हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं नॉर्थ ईस्ट राज्यों के जो हिंदी नहीं जानते हैं जैसे कि मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही काम की है क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पूरी डिटेल्स डाली हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले है न्यायालय का नाम, नेम ऑफ कोर्ट, उसकी स्थापना, इस्टेब्लिश्ड अधिकार क्षेत्र क्या है उसका, ज्यूरिसडिक्शन एंड स्थान, उसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो ये मैं आपके लिए भारत के सभी हाई कोर्ट के बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले है दोस्तों चेन्नई उच्च न्यायालय। चेन्नई उच्च न्यायालय के लिए इंग्लिश में मद्रास हाई कोर्ट बोलते हैं। इसकी दोस्तों जो स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1862 के लिए हुई थी और इसका अधिकार क्षेत्र है, ज्यूरिसडिक्शन है इसकी पांडिचेरी और तमिलनाडु। इसका जो स्थान है दोस्तों हाई कोर्ट कहाँ पर है, लोकेशन चेन्नई में। ये जो लोकेशन है इसकी चेन्नई हाई कोर्ट की, ये चेन्नई में है। नेक्स्ट ले लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा मुंबई उच्च न्यायालय। मुंबई उच्च न्यायालय के लिए इंग्लिश में बोलते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट। इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1862 के लिए और इसका ज्यूरिसडिक्शन यानी कि दोस्तों अधिकार क्षेत्र है गोवा, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, उसके बाद में महाराष्ट्र। इसके जो स्थान है दोस्तों लोकेशन वो मुंबई में है। नेक्स्ट ले लेते हैं हम तीन नंबर पे है दोस्तों कोलकाता उच्च न्यायालय, कैलकाटा उच्च न्यायालय, कैलकाटा हाई कोर्ट। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1 जुलाई 1862 के लिए इस्टेब्लिश हुआ था और अधिकार क्षेत्र है इसका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल। उसके बाद में स्थापना हुई थी इसकी 1 जुलाई 1862 को और इसकी लोकेशन है, ये हाई कोर्ट कहां पर स्थित है, कोलकाता में। तो दोस्तों ये अधिकार क्षेत्र से मैं आपके लिए एक बार समझा देना चाहता हूं कि जो अधिकार क्षेत्र है वो है कि ये जो हाई कोर्ट है जैसे कि कोलकाता उच्च न्यायालय, ये किस किस क्षेत्र का लिए जिम्मेदार है, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल के जो भी केसेस होंगे वो हाईकोर्ट कौन से में जाएंगे, वो जाएंगे कोलकाता हाईकोर्ट में। नेक्स्ट ले लेते हैं दोस्तों हम अपना चार नंबर पे है हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है दोस्तों, इसका स्थापना हुई थी 17 मार्च 1866 के लिए और अधिकार क्षेत्र है इसका ओनली उत्तर प्रदेश, क्योंकि आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है इसलिए इसका अधिकार क्षेत्र ओनली उत्तर प्रदेश ही है। इसका जो दोस्तों जो लोकेशन है वो इलाहाबाद में है। इलाहाबाद के लिए पिछले साल ही योगी सरकार ने इसका इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया था। तो नेक्स्ट ले लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आता है हमारा कर्नाटक उच्च न्यायालय। तो कर्नाटक हाई कोर्ट के दोस्तों जो स्थापना हुई थी ये 1884 में हुई थी और इसका अधिकार क्षेत्र है कर्नाटक और स्थान है इसका लोकेशन बेंगलोर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए बता देना चाहता हूँ कि जो स्थापना इस्टेब्लिश्ड है इसका, इसकी जो एग्जैक्ट डेट है, डेट और मंथ, वो आपके लिए गूगल पे कहीं पर भी नहीं मिलेगी। इसके लिए केवल आप जहां भी सर्च करेंगे वो 1884 ही आपको दिखाई देगा। तो इसीलिए यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड 1884 लिखा है मैंने
और अधिकार क्षेत्र इसका कर्नाटक है और स्थान इसका बेंगलुरु यानी कि दोस्तों बेंगलोर में है। नेक्स्ट आता है दोस्तों पटना उच्च न्यायालय। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, स्टेब्लिश हुआ था ये 2 सितंबर 1916 के लिए और इसका ज्यूरिसडिक्शन है दोस्तों बिहार और इसकी लोकेशन है कहाँ पे, पटना में। तो ये पटना उच्च न्यायालय जैसे कि नाम से ही दिख रहा है आपके लिए कि ये कहाँ पर है, पटना में। तो एक चीज और मैं आपके लिए बता देना चाहता हूँ कि जो भी हाई कोर्ट है उसके नाम से ही उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। भारत के जो 25 हाई कोर्ट है उनमें से 2-4 हाई कोर्ट से ऐसे होंगे जिनके नाम से उनकी लोकेशन का पता नहीं चले, वरना सबका पता चल जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। तो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो 26 मार्च 1928 के लिए हुई थी और इसका अधिकार क्षेत्र है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए ये अधिकार क्षेत्र इसके आते हैं। इसका दोस्तों जो लोकेशन है वो श्रीनगर और जम्मू दोनों में ही है। जैसे कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर की राजधानी भी अलग अलग है श्रीनगर में और जम्मू में, तो इसी हिसाब से इसकी दो लोकेशन है ये। इसकी जो प्राइमरी सीट है वो श्रीनगर और जम्मू दोनों में ही है। नेक्स्ट ले लेते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। अब ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है जिससे आप इसके नाम से पता नहीं लगा पाएंगे, तो इसके लिए आप ध्यान से देंगे कि मध्य प्रदेश जो उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1936 के लिए और इसके अधिकार क्षेत्र में केवल मध्य प्रदेश ही आता है, क्योंकि मध्य प्रदेश भी एक बहुत बड़ा राज्य है, इसलिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय केवल मध्य प्रदेश के लिए ही देखता है। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1936 के लिए और इसका अधिकार क्षेत्र है मध्य प्रदेश और इसका दोस्तों जो लोकेशन है कहाँ पर है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ठीक है। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो है वो केवल जबलपुर में है। नेक्स्ट ले लेते हैं दोस्तों हम, नेक्स्ट है हमारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट का एक ही उच्च न्यायालय है दोस्तों। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 के लिए ये स्टेब्लिश हुआ था, 15 अगस्त 1947 को ही हमारा देश आजाद हुआ, तो आपके लिए यहाँ पर याद रखने में भी बहुत ही ज्यादा आसानी होगी कि पंजाब और हरियाणा जो उच्च न्यायालय है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, जिस दिन हमारा देश इंडिया आजाद हुआ था। तो हमारा देश कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 के लिए, इसीलिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 के लिए। इसके अधिकार क्षेत्र में चंडीगढ़ और हरियाणा और पंजाब, ये चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, हरियाणा और पंजाब इसके अधिकार क्षेत्र में 3 राज्य 2 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। और इसका जो स्थान है दोस्तों कहाँ पर है ये, तो ये चंडीगढ़ में है, लोकेशन चंडीगढ़। नेक्स्ट ले लेते हैं दोस्तों, सॉरी नेक्स्ट की तरफ चलने से पहले अभी हमारे काफी हाई कोर्ट और बचे हैं जिनके बारे में मुझे आपको बताना है, तो इससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो भी आप डाउनलोड कर लें, और कहाँ से डाउनलोड करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना यार वीडियो के बाद में, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा उड़ीसा उच्च न्यायालय। तो पहले उड़ीसा उच्च न्यायालय इसको बोलते थे, लेकिन अभी उड़ीसा का नाम चेंज करके ओडिशा हो गया है, तो अभी इसके लिए आप अगर लिखेंगे बोलेंगे तो आप ओडिशा उच्च न्यायालय ही बोलेंगे। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 3 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसके अधिकार क्षेत्र में केवल ओडिशा ही आता है। इसका दोस्तों जो इस लोकेशन है ओडिशा उच्च न्यायालय है कहाँ पर, वो कटक में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय, तो ये जाहिर है कि गुवाहाटी में ही होना आवश्यक है। तो दोस्तों गुवाहाटी उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1 मार्च 1948 के लिए हुई थी और इसके अधिकार क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड, मतलब 1, 2, 3, 4 राज्य इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसका दोस्तों जो लोकेशन है वो गुवाहाटी में है। नेक्स्ट ले लेते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारा राजस्थान उच्च न्यायालय। तो राजस्थान हाई कोर्ट की दोस्तों स्थापना हुई थी 21 जून 1949 के लिए और
इसका अधिकार क्षेत्र राजस्थान है, और दोस्तों जो राजस्थान उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है, जोधपुर में। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसके नाम से आपको पता नहीं चल पाएगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर है। एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, खास करके डिफेंस के एग्जाम में, और राजस्थान के जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होंगे उनमें तो ये क्वेश्चन जरूर ही आते हैं। तो राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर है दोस्तों, जोधपुर में है। नेक्स्ट आता है हमारा तेलंगाना उच्च न्यायालय। तो दोस्तों तेलंगाना जो उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2019 के लिए, और इसके अधिकार क्षेत्र में आता है केवल तेलंगाना। तो इसका जो स्थान है, कहां पर है लोकेशन, ये हैदराबाद में है दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारा केरल उच्च न्यायालय। तो केरल उच्च न्यायालय दोस्तों जो है वो केरल हाईकोर्ट, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 नवंबर 1956 के लिए। अधिकार क्षेत्र है इसका केरल और लक्षद्वीप, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 के लिए, और इसका लोकेशन है कोची में। नेक्स्ट आता है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट है गुजरात उच्च न्यायालय। गुजरात उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1 मई 1960 के लिए हुई थी, और अधिकार क्षेत्र इसका गुजरात है, और इसका जो लोकेशन है वो अहमदाबाद है। मतलब इसका जो हाईकोर्ट की मेन ब्रांच है, मतलब मेन सीट है, वो कहाँ पर है, प्राइमरी सीट अहमदाबाद में है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा दिल्ली हाई कोर्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 के लिए हुई थी, और इसका अधिकार क्षेत्र है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, और इसका जो लोकेशन है वो है नई दिल्ली में। नेक्स्ट आता है हमारा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी 1971 के लिए हुई थी, और इसका अधिकार क्षेत्र हिमाचल प्रदेश है, और इसकी लोकेशन है जो वो शिमला में है। नेक्स्ट आता है हमारा सिक्किम उच्च न्यायालय। तो दोस्तों सिक्किम उच्च न्यायालय जो है उसका स्थापना हुई थी 16 मई 1975 के लिए, और इसका अधिकार क्षेत्र है सिक्किम, और इसका जो स्थान है, मतलब ये कहाँ पर स्थित है, तो सिक्किम उच्च न्यायालय दोस्तों सिक्किम की राजधानी गंगटोक में स्थित है। नेक्स्ट आता है हमारा दोस्तों छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय स्टेब्लिश हुआ था 1 नवंबर 2000 के लिए, और अधिकार क्षेत्र में इसके छत्तीसगढ़ है, और जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है, बिलासपुर में। नेक्स्ट ले लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय, मतलब उत्तराखंड हाई कोर्ट। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, स्टेब्लिश हुआ था ये 9 नवंबर 2000 के लिए, और अधिकार क्षेत्र इसका उत्तराखंड, और इसका जो स्थान है वो नैनीताल में है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों, झारखंड उच्च न्यायालय। तो झारखंड हाई कोर्ट जो है वो 15 नवंबर 2000 के लिए स्टेब्लिश हुआ था, और अधिकार क्षेत्र में इसके झारखंड है, और स्थान इसका रांची। तो झारखंड दोस्तों जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है, रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा मेघालय उच्च न्यायालय। तो मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 23 मार्च 2013 के लिए, और अधिकार क्षेत्र इसका मेघालय है, और इसका जो लोकेशन है वो शिलोंग में है। तो शिलोंग दोस्तों मेघालय की राजधानी है, तो आप याद रख सकते हैं कि मेघालय उच्च न्यायालय कहाँ पर है, शिलोंग में है। नेक्स्ट आता है हमारा मणिपुर उच्च न्यायालय। मणिपुर हाई कोर्ट की स्थापना 25 मार्च 2013 के लिए हुई थी, और मणिपुर अधिकार क्षेत्र इसका मणिपुर है, और मणिपुर की राजधानी है दोस्तों इम्फाल। तो ये कहाँ पर लोकेशन है इसकी, इम्फाल में। तो आप इसके लोकेशन का भी पता लगा सकते हैं कैसे, कि मणिपुर की जो राजधानी है वही इसके हाई कोर्ट का लोकेशन है। नेक्स्ट ले लेते हैं दोस्तों त्रिपुरा उच्च न्यायालय। तो त्रिपुरा हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो 26 मार्च 2013 के लिए हुई थी, और इसका अधिकार क्षेत्र त्रिपुरा है, और इसका दोस्तों जो स्थान है वो अगरतला में है। तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय, त्रिपुरा हाई कोर्ट जो है वो, उसकी स्थापना 26 मार्च 2013 को हुई थी, अधिकार क्षेत्र त्रिपुरा, और त्रिपुरा की राजधानी दोस्तों अगरतला। तो त्रिपुरा हाई कोर्ट कहाँ पर है, अगरतला में। आपको याद रखने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो इसीलिए मैं उनकी राजधानी भी बताते जा रहा हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। तो दोस्तों जो ऊपर था वो तेलंगाना उच्च न्यायालय था, क्योंकि जैसे आप सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश से अभी हाल ही में कुछ सालों पहले ही तेलंगाना राज्य का मतलब बंटवारा हो गया है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाई कोर्ट जो वो अलग अलग हो गए हैं। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना भी दोस्तों 1 जनवरी 2019 के लिए हुई थी, और इसका अधिकार क्षेत्र आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी पर पोस्ट राजधानी जो है वो है अमरावती। तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की लोकेशन कहाँ पर है, अमरावती में।
तो दोस्तों कैसे लगे हमारे ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।